Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jahan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 1.3. Chapter name is real numbers and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pandey. So what are you waiting for? Let's get started. So first we need to understand some basic concept related to this exercise which is very important to solve this exercise. Okay? तो डेसिमल नंबर आपको पता होगा जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट वन टू थ्री कुछ भी तो ये सब डेसिमल नंबर होता है अब डेसिमल नंबर दो तरीके का होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो पॉइंट के कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं पूरी तरीके से फॉर एग्जाम्पल टू पॉइंट फोर थ्री सिक्स फाइव ओके तो ये क्या हो गया टर्मिनेट लेकिन अगर यहां पर हम नोट कर दें टू पॉइंट फोर थ्री सिक्स फाइव सो ऑन तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ या आगे बढ़ता जा रहा है अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के होते हैं पहला रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग और इसे हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं रिपीटिंग क्या है जैसे लर्ट सपोज हमारे पास आगे टू प्वाइंट फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री सो ऑन यहाँ पर क्या है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो यहाँ पर डॉट 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 का मतलब क्या है कि नंबर चलती जा रही है टर्मिनेट नहीं हो रही यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है कुछ ना कुछ रिमाइंडर की प्लेस में हमारे पास बच रहा है ओके okay. और रिपीटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर फोर थ्री रिपीट हो रहा है तो जो वैल्यू रिपीट होती है उसे हम बाढ़ लगाकर या ओवर लाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगी और ना ही टर्मिनेट होगी ओके क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का ये पार्ट है तो टर्मिनेट तो नहीं होगी खत्म तो नहीं होगी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा किसी भी स्टेप में और रिपीट भी नहीं होगी ओके okay? जैसे यहाँ पर वन टू है तो फिर वन टू टू हो गया फिर वन थ्री टाइम्स टू हो गया तो इस तरीके से क्या है बढ़ती जा रही कोई भी डिजिट सेम टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा ओके okay? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी नंबर रैशनल है और कौन सी इरेशनल है अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे तो वो सारी नंबर जो टर्मिनेट हो जाती हैं मतलब सो so ऑन का साइन नहीं होगा पॉइंट के बाद कुछ प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगी तो ऐसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं रैशनल लेकिन अगर कोई नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रही मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा किसी भी स्टेप में तो उसमें क्या होगा जो रिपीटिंग नंबर हमारे पास है वो रैशनल होगी और नॉन रिपीटिंग सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ऐसी है जो कि इेशनल है तो इेशनल सिर्फ और सिर्फ वही नंबर है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ओके okay? अब अगर कोई नंबर हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसे अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो दो तरीके हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थ्री बाई टेन है फर्स्ट मेथड क्या है कि टेन से थ्री में डिवाइड कीजिए जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी डेसिमल फॉर्म में होगी ओके okay? फॉर एग्जाम्पल टेंथ से हमको थ्री में डिवाइड करना है तो थ्री छोटा है जीरो पॉइंट नोट करना होगा और जीरो यहाँ पर हम नोट कर सकेंगे अब टें थर्टी तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना है जीरो इसका मतलब ये नंबर कैसी है टर्मिनेटिंग ओके okay? तो एक तो ये तरीका है कि आप डिवाइड करो और उससे पता चल जाए नंबर कैसी है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और इसका सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर की प्लेस में जो भी वैल्यू दी गई है इसे हमें क्या करना होगा प्राइम फैक्टराइज और उससे हम पता लगा सकेंगे कौन सी नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है ये इसका शॉर्टकट मेथड है कैसे पता लगाएंगे वो भी बताते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेन को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आएगा टू इंटू फाइव तो न्यूमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है उसे वैसे ही नोट कर सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर की प्लेस में जो भी वैल्यू है इसे हमें फैक्टराइज करना होगा और इसके फैक्टर्स देखने होंगे कैसे तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स टू और फाइव के फॉर्म में है वो कैसी नंबर होगी हमेशा टर्मिनेटिंग ओके अभी हमने इसे डिवाइड करके भी देखा था तो कैसी नंबर निकली है टर्मिनेटिंग तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वो नंबर हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एन ओके जहां पर एम और एन क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है इंटीजर मतलब क्या होता है वो आपको पता ही है तो रैशनल की कंडीशन आपको पता है टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होगा और अगर उसके फैक्टर्स करेंगे तो टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एन के फॉर्म में होगा तब वो कैसी डेसिमल नंबर होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और वो भी रैशनल है ओके अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं अब जैसे रिपीटिंग है तो ये भी एक रैशनल नंबर है ये मैंने आपको बताया पहले तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ओके यहाँ पर अगर फैक्टराइज करेंगे किसी भी डिनोमिनेटर को तो वो कभी भी टू की पावर एम और फाइव की पावर एन के फॉर्म में नहीं होगा ओके okay? तो रैशनल का जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर फॉलो होगा आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही पूछा गया है कि कौन सी नंबर टर्मिनेटिंग है कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है किस तरीके से हम इसे फैक्टराइज करेंगे अगर टर्मिनेटिंग है अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका फैक्टराइजेशन कैसा होगा रिपीटिंग क्या है ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है ओके सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चेक पाई इज रैशनल और इ नंबर स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट्स के जरिए वेरीफाई करना होगा क्योंकि यहां पर हमसे वेरीफाई करने के लिए ही बोला गया है okay. ओके तो स्टेटमेंट यहाँ पर नोट करना होगा तो पाई कैसी नंबर है एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है तो कोई भी ऐसी नंबर क्या होती है इरेशनल होती है ओके okay. अब ये कैसे पता चला कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है तो पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव एट नाइन सेवन नाइन थ्री टू थ्री एट सो ऑन ओके जो कि चलती जाती है कभी भी खत्म नहीं होती ये वैल्यू आती चली जाती है ओके तो ऐसी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होती है उसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इसलिए पाई कैसी नंबर है इरेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हमें स्टेटमेंट्स के जरिए वेरीफाई करना होगा तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि ट्वेंटी टू सेवन रैशनल है या फिर इ रैशनल ओके तो रैशनल नंबर क्या होती है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं p और q क्या है यहाँ पर इंटीजर्स हैं और q यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं है अब ट्वेंटी टू सेवन किस फॉर्म में है p बाई क्यू के फॉर्म में और यहाँ पर q की प्लेस में जीरो नहीं है ओके मतलब डिनोमिनेटर क्या है जीरो के बराबर नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर रेशनल नंबर की कंडीशन नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ नोट कर सकते हैं सिंस ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड डिनोमिनेटर दैट इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ओके देयर फोर ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इेशनल नंबर क्योंकि की एक रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और डेसी के फॉर्म में अगर आप इसे एक्सप्रेस करना चाहोगे तब भी आप डिवाइड करके देखना तो यहाँ पर कैसी नंबर मिलेगी आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ओके तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किस फॉर्म में होता है हमेशा रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है अब आप सोचोगे ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन तो हम यूज करते आ रहे हैं पाई की जगह पर तो क्या ये पाई की वैल्यू नहीं है ये पाई की वैल्यू नहीं है ये सिर्फ मैच करता है ये अप्रोक्सीमेटली सेम है पाई की वैल्यू से ओके ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन का मतलब है सेवन से जब आप ट्वेंटी टू में डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन इस तरीके से ये पूरा आता जाएगा रिपीट होता जाएगा ओके तो जब ये रिपीट होता जाएगा तो ये कैसी नंबर हो गई रैशनल पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये है कि पाई की वैल्यू इससे कैसे मैच करी तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव इस तरीके से कैसे आई किसी भी सर्कल का सरकम और उसका डायमीटर का रेशियो तो जब उसे हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा यही होती है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव सो ऑन ओके तो इस तरीके की वैल्यू होती है जो कि मैच कर रही है किससे ट्वेंटी टू ओ सेवन से, से इसीलिए पाई की जगह पर हम अप्रोक्स करके लिख देते हैं थ्री पॉइंट वन फोर या फिर ट्वेंटी टू ओ सेवन ओके ये दोनों सेम नहीं है दोनों अलग वैल्यूज है पाई क्या है इरेशनल ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन क्या है रैशनल ओके कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर हमें बताया गया कि टू रूट ओवर फोर्टी फाइव प्लस थ्री रूट ओवर ट्वेंटी अपॉन टू रूट ओवर फाइव अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा रैशनल नंबर मिलेगी या फिर इरेशनल? तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा और फिर देखना होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा है अगर सॉल्यूशन रैशनल है तो रैशनल नोट कर देंगे और इरेशनल होगा तो इरेशनल नोट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है टू तो टू नोट करेंगे रूट तो के अंदर हमारे पास क्या है फोर्टी फाइव इसे हमें फैक्टराइज करना होगा ओके okay? फैक्टराइज करना आपको पता है पहले इसे आप फाइव से भी कैंसिल कर सकते हो या फिर थ्री से कैंसिल करना चाहो तो थ्री से भी कैंसिल होगा जिससे आप करना चाहो कर सकते हो तो अगर हम थ्री से इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा हमारे पास फिफ्टीन और फिफ्टीन को भी हम दो तरीके से कैंसिल कर सकते हैं फाइव से भी और थ्री से भी तो अगर थ्री से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास थ्री फाइवी को सिर्फ फाइव से कैंसिल किया जा सकता है तो यहाँ पर लास्ट में आएगा फाइव इसे आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं ओके प्लस थ्री वैसे ही नोट कर देते हैं अब रूट ओवर ट्वेंटी जो हमारे पास है इसे भी हमें फैक्टराइज करना होगा तो सबसे पहले हम टू से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो टू टेन ट्वेंटी और जो टेन आया उसे हम किससे डिवाइड करेंगे अगेन टू से कर देंगे कैंसिल तो टू फाइव टेन और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा फाइव अपॉन ऑन टू रूट ओवर फाइव वैसे ही नोट कर देंगे अब यहाँ पर हम टू नोट करेंगे और यहाँ पर थ्री रिपीट हो रहा है तो रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू टू टाइम्स रिपीट होती है हो, उसे तो हम बाहर कर सकते हैं रूट से तो यहां पर हमें नोट करना होगा थ्री अब ये रूट से हो गया बाहर तो रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास सिर्फ फाइव क्योंकि फाइव यहाँ पर सिर्फ वन टाइम है तो ये रूट से बाहर नहीं होगा इसी तरीके से थ्री वैसे ही नोट करेंगे और यहां पर भी टू टू टाइम्स है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा यहां पर हम नोट कर सकते हैं इन टू और रूट ओवर फाइव वैसे रहेगा अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है टू रूट ओवर फाइव तो न्यूमिनेटर में हमारे पास अगर टू रूट ओवर फाइव दोनों में है तो इसे हम कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं अदरवाइज आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री टू जार सिक्स तो सिक्स रूट ओवर फाइव प्लस यहाँ पर भी थ्री टू जार सिक्स रूट ओवर फाइव और डिवाइडेड बाई टू रूट ओवर फाइव वैसे ही नोट करना होगा ओके अब यहाँ पर सिक्स रूट ओवर फाइव है और यहाँ पर भी सिक्स रूट ओवर फाइव है और बीच में क्या है प्लस का साइन इन दोनों को एड करना होगा तो सिक्स प्लस ट्वेल्व है ट्वेल्व रूट ओवर फाइव डिवाइडेड बाई टू रूट ओवर फाइव ओके अब यहाँ पर रूट ओवर फाइव से रूट ओवर फाइव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन के साथ है अब टू से ट्वेल्व कैंसिल होगा कितने टाइम्स में सिक्स टाइम्स में तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिक्स बचा तो ये कैसी नंबर हो गई रैशनल तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं रैशनल नंबर क्वेश्चन में हमें यही बताना था इसका सॉल्यूशन क्या है रैशनल या फिर इरेशनल तो इसका सॉल्यूशन क्या है रैशनल एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर अब यहाँ पर हमें क्या बताना है इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और साथ ही साथ हमें बताना है कि ये टर्मिनेट हो रहा है कितने प्लेसेस के बाद One, two, three, four, कितने डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं पहला तो ये है कि आप डायरेक्ट इस इसमें डिवाइड कीजिए तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है ओके और दूसरा मेथड क्या है कि इसे आप फैक्टराइज कीजिए फैक्टराइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितनी प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ है मतलब कहाँ पर डेसिमल आएगा हम इसे यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1250 को हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना होगा जो डिनोमिनेटर की प्लेस में हमारे पास वैल्यू है इसे हमें फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर हमने 1250 को सबसे पहले क्या किया फैक्टराइज अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास फाइव की पावर फोर फाइव यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है फोर और टू की पावर वन टू यहाँ पर वन टाइम तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना चाहो इसकी पावर के फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर सकते हो ऊपर न्यूमरेटर में वैसे ही वैल्यू नोट करनी होगी जो दिया गया है और डिनोमिनेटर को पावर के फॉर्म में नोट करना होगा अब इसके बाद हम नोट कर सकते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज यहां पर डिनोमिनेटर कितना है टू की पावर वन इंटू फाइव की पावर फोर ओके okay? या फाइव की पावर फोर इंटू टू रेस टू दी पावर वन इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हो तो यहाँ पर ये दोनों पावर में से जो हाईएस्ट पावर है वो इसका आंसर होगा उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ओके तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइज करके बता सकते हैं कि फोर प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा और अदरवाइज इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा अलेवन पॉइंट एट जीरो टू फोर तो उससे भी पता चल जाएगा आपको कि डेसिमल के फोर प्लेसेस के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है टर्मिनेट ओके तो आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी क्वेश्चन नंबर फोर की तरह है अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स दिए गए हैं इसे फैक्टराइज नहीं करना है ओके तो इसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन वैश्व नंबर इज टू रेस टू दावर टू इंटू फाइव रेस टू पावर वन भी नोट कर सकते हैं अदरवाइज फाइव भी आप नोट कर सकते हो अब इन दोनों में हाइएस्ट पावर क्या है टू तो इसे आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हो इट विल टर्मिनेट आफ्टर टू प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स और स्कूल में आपकी जैसे कराया गया आप वैसे कर सकते हो एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स अब यहाँ पर इस नंबर का हमें टाइप बताना है कि किस तरीके की है रैशनल है या फिर इरेशनल तो आपको देख ही समझ में आ रही है नंबर कैसी है रैशनल ओके क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है बार इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं सिंस 1.2348 बार इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर देयर फोर इट इज अ रैशनल नंबर कोई भी ऐसी नंबर जिसमें बार लगा है वो क्या है रैशनल ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर भी हमसे टाइप पूछा गया है नंबर का तो ये किस तरीके की नंबर है रैशनल क्यूंकि इसके ऊपर भी बाढ़ लगा है तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं सिंस थ्री पॉइंट थ्री फाइव बार इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर देयर फोर इट इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पर भी हमें नंबर का टाइप बताना है किस तरीके की नंबर है रैशनल या फिर इरेशनल तो आपको पता है रूट ओवर फाइव कैसा है इरेशनल तो कोई भी इरेशनल नंबर के साथ अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें या उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या होगा इरेशनल क्वेश्चन में हमारे पास नंबर क्या है टू रूट ओवर फाइव और हमें टाइप बताना है कि नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंस टू इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और रूट ओवर फाइव क्या है एक इेशनल नंबर है लेकिन कभी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ अगर किसी इेशन नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर का सॉल्यूशन हमेशा इेशनल नंबर के बराबर होता है ओके मतलब जो आंसर आता है वो हमेशा एक इेशनल नंबर होती है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एंड इेशनल नंबर इज इेशनल प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा इेशनल तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देयर फोर टू रूट ओवर फाइव इज एन इेशनल नंबर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर भी हमें नंबर का टाइप बताना है किस नंबर का टाइप बताना है कि अगर हम कोई दो नंबर मतलब नॉन जीरो रैशनल और एक इरेशनल इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसमें जो आंसर आएगा वो नंबर किस तरीके की होगी रैशनल या फिर इरेशनल तो ये तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर एट में आपने अभी सॉल्व किया था यहाँ पर कंडीशन हमें बताई गई है नंबर्स नहीं दिए गए तो नंबर्स को हमें यहाँ पर अज्यूम करना होगा यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट टू इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर तो यहाँ पर टू की जगह पर आप जो भी नोट करना चाहो वो नोट कर सकते हो जीरो को छोड़कर ओके okay? अब यहाँ पर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यों ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इेशन नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा ओके तो पहले हमें नॉन जीरो रैशनल नंबर लेनी होगी और इसके बाद एज्यूम करते हैं रूट ओवर थ्री एक इेशनल नंबर है ओके आप यहाँ पर रूट ओवर फाइव रूट ओवर सेवन जो भी नोट करना चाहो कर सकते हो यहाँ पर हमें नोट करना होगा एंड रूट ओवर थ्री इज एन इेशनल नंबर तो किसी भी इरेशनल नंबर के साथ जब रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या ऐड करें उसमें या फिर सब्ट्रेक्ट करें उस नंबर को तो रिजल्ट उसका हमेशा क्या होता है इरेशनल नंबर ही होता है तो यहाँ पर रूट ओवर थ्री क्या है इरेशनल नंबर है इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देयर फोर द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल रैशनल तो यहाँ पर आपको वही नोट करना है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर तो स्टेटमेंट आप किसी भी तरीके से नोट कर सकते हो बस तरीका सही होना चाहिए ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन अब यहां पर एक रैशनल नंबर हमें बताई गई है पी बाय क्यू और क्यू के लिए कंडीशन पूछी गई है कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में यहां पर अगर कोई रैशनल नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है तो इसमें Q मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए ओके तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंस फॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Q इज नॉट इक्वल टू टू रेज टू दी पावर एम इंटू फाइव रेस टू दी पावर एन अब यहाँ पर एम और एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है वन टू थ्री फोर कोई भी पावर हो सकती है तो अगर रैशनल नंबर की बात करी गई और नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर ये जो Q है मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये कभी भी exactly बराबर नहीं होगी टू की पावर एम इन फाइव की पावर एन की तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि Q इन दोनों के बराबर नहीं होता ओके यहाँ पर अगर इस नंबर को फैक्टराइज किया जाएगा तो ये दोनों आ सकती हैं लेकिन इनके साथ साथ कोई और वैल्यू तो होगी ही होगी ओके इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है इसलिए रैशनल है तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देयरपोर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाई क्यू इज द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू दावर एम इन टू फाइव रेस टू दावर एन तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर अलेवन यहां पर एक रैशनल नंबर है और इसकी डेसिमन रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग यह हमें बताना है अब इस नंबर में डिनोमिनेटर की प्लेस में हमारे पास क्या है टू रेस टू दी पावर टू फाइव की पावर सेवन और सेवन की पावर टू तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है नहीं क्योंकि ये टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एन के फॉर्म में नहीं है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि सेवन की पावर टू है तो इसका मतलब ये कैसी नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग में किस तरीके की नंबर है ये रिपीटिंग तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन टू एंड फाइव मतलब यहाँ पर टू और फाइव के अलावा भी अदर फैक्टर है देअर फोर इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसलिए ये किस तरीके की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ओके तो रिपीटिंग आप यहाँ पर नोट करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग तो किस तरीके की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब यहां पर प्रूव करना है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इेशनल नंबर मतलब कोई भी दो इराशनल नंबर है अगर हम उसे ऐड करें और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा रैशनल ओके okay? और यहां पर दोनों नंबर्स भी बताए गई तो नंबर्स हमारे पास क्या है सेवन प्लस रूट ओवर फाइव एंड सेवन माइनस रूट ओवर फाइव तो सबसे पहले इनका सम पता करते हैं सम मीन्स होता है ऐड करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का साइन भी नोट कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा सेवन प्लस रूट ओवर फाइव प्लस सेवन माइनस रूट ओवर फाइव ओके तो यहाँ पर रूट ओवर फाइव पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव तो ये हो जाएगा कैंसिल और सेवन में सेवन ऐड करना होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कितना आएगा हमारे पास फोरटीन अब फोर्टीन कैसी नंबर है रैशनल तो पहली कंडीशन तो प्रूव हो गई और सेकंड कंडीशन क्या है अब इनका हमें प्रोडक्ट पता करना होगा तो अगर आप इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज हैं ओके अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मतलब यहाँ पर सेवन रिपीट हो रहा है तो सेवन का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में ये प्लस है ओके और रूट ओवर फाइव भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो रूट ओवर फाइव की भी पावर कितनी हो जाएगी टू ओके okay? तो इस तरीके से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो और या फिर जैसे आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था वन बाय वन करके सब में मल्टीप्लाई कीजिए फिर सॉल्व कीजिए तो वैसे भी आप कर सकते हो सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन माइनस और यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा कितना आएगा हमारे पास फाइव अब फोर्टी नाइन में फाइव माइनस करें कितना आएगा हमारे पास फोर्टी फोर तो यहां पर भी प्रूव हो रहा है कि दो रैशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा रैशनल ओके तो दोनों ही कंडीशन में ये प्रूफ हो चुका है तो लास्ट में हम नोट कर सकते हैं प्रूफ या फिर हैंस प्रूफ ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब यहां पर जीरो पॉइंट थ्री टू बार को हमें एज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस करना है और फ्रैक्शन किस फॉर्म में होनी चाहिए सिंपलेस्ट ओके तो नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या है जीरो पॉइंट थ्री टू बार तो यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट कितने हैं टू ओके दो डिजिट के ऊपर बार लगा है मतलब दो डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर इस बार को हटाकर हम टू टाइम्स नाइन नोट कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं जीरो और पॉइंट की जगह पर हम प्लस नोट करेंगे और न्यूमरेटर में जो वैल्यू है इसे वैसे ही नोट करेंगे और डिनोमिनेटर की प्लेस में क्या होगा जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स हमें नाइन नोट करना होगा अगर हम इसमें जीरो ऐड करें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा थर्टी टू अपॉन नाइनटी नाइन अब थर्टी टू और नाइन्टी नाइन सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं तो नहीं हो सकते ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है पहले से ही एंड दिस इज आर फाइनल आंसर तो इसे सॉल्व करने के कई मैथड हैं आप जिस मैथड को फॉलो करना चाहो उसे फॉलो कर सकते हो ये इसका सिंपल मैथड है तो इसे भी फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो मैंने दोनों ही क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज वन पॉइंट वन और वन पॉइंट टू में बताया है तो आप उसमें जाकर भी देख सकते हो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अब यहाँ पर जो नंबर हमें दी गई है इसमें बताया गया है कि आपको डिवाइड नहीं करना है बिना डिवाइड करे आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि नंबर कैसी है टर्मिनेटिंग डेसिमल ओके तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है फोर्टी वन अपॉन वन थाउजेंड यहाँ पर हमें बिना डिवाइड करे इसे प्रूव करना है कि ये टर्मिनेटिंग है तो इसे हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करके यहाँ पर वन थाउजेंड को फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या आया थ्री टाइम्स टू और थ्री टाइम्स फाइव तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर देंगे द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवेन रैशनल नंबर इज टू रेस टू दी पावर थ्री इन टू फाइव रेस टू दी पावर थ्री अब ये टू की पावर और फाइव की पावर के फॉर्म में है मतलब ये टू की पावर एम और फाइव की पावर एन के फॉर्म में तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ टू की पावर एम और फाइव की पावर एन के फॉर्म में 2 5 के है टू और फाइव इसके फैक्टर हैं इसलिए ये नंबर कैसी है टर्मिनेटिंग डेसिमल और यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं हैंस प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था और जो कि प्रूफ हो चुका है ओके अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टी तो यहाँ पर भी हमें फिफ्टी को प्राइम फैक्ट्राइज करना होगा और इसके बाद देखना होगा ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं तो फिफ्टी को फैक्ट्राइज करने पर हमारे पास क्या है वन टाइम टू और टू टाइम फाइव यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवेन रेशन नंबर इज टू इंटू फाइव टू दावर टू अब इसके फैक्टर्स क्या है टू और फाइव मतलब टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एन के फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग तो ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये नंबर भी टर्मिनेटिंग है ओके okay? यहां पर भी हमें स्टेटमेंट्स नोट करने हैं और ये प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का लास्ट पॉइंट थर्टीन अपॉन थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पर भी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को फैक्टराइज करना होगा सारे सॉल्यूशन एक जैसे ही हैं बस जहाँ पे जो कंडीशन फॉलो हो रही है वहां पर उस कंडीशन को नोट करना है और प्रूव करना है तो यहाँ पर जब हम थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है फाइव टाइम्स फाइव ओके तो इसके डिनोमिनेटर को भी नोट करते हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर किस तरीके का है टू की पावर यहाँ पर एक भी नहीं है तो टू की पावर जीरो नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है वन और फाइव की पावर कितनी है फाइव तो यहाँ पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंडीशन नोट करेंगे सिंस द द डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म टू टू ओके जहां पर पावर नहीं है वहां पर उस पावर को जीरो कर दीजिए क्योंकि हमें कंपेयर करना है ओके देअर फोर थर्टीन अपॉन थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज टर्मिनेटिंग डेसिमन ओके हैं प्रूफ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और ये भी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरह यहाँ पर भी हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है इस रैशनल नंबर का और इसे प्रूव करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ओके okay? सबसे पहले इस नंबर के भी डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे और फिर इसकी कंडीशन देखेंगे फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या आया टू टाइम्स टू टू टाइम्स थ्री और वन टाइम फाइव तो यहाँ पर टू और फाइव के अलावा भी फैक्टर आ रहा है तो जब भी टू और फाइव के अलावा भी कोई अदर फैक्टर होता है तो वो नंबर हमेशा किस फॉर्म में होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ओके तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं द डिनोमिनेटर इज टू रेस टू दावर टू इंटू थ्री रेस टू दी पावर टू इंटू फाइव यहाँ पर आप नोट कर सकते हो सिंस द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन एंड है इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल प्रूव्ड ओके और या फिर आप ये भी लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन ओके तो आप जैसे भी इसका स्टेटमेंट नोट करना चाहो वैसे कर सकते हो जो आपको सही लगे ओके नेक्स्ट अब सेकंड पॉइंट में भी सेम वैसी है सबसे पहले 343 को हमें फैक्टराइज करना ये होगा ये किससे कैंसिल होगा सेवन से कितने टाइम्स में फोर्टी टाइम्स में अगेन सेवन सेवन जार और सेवन वन जार सेवन तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है टू और फाइव के अलावा वैल्यू है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया कि नंबर कैसी है रैशनल ओके तो इसे आप ये मत सोचना कि यहाँ पर टू भी नहीं है फाइव भी नहीं है तो क्या ये इरेशनल है नहीं ये इरेशनल नहीं है ये क्या है रैशनल तो यहाँ पर टू की भी पावर जीरो है और फाइव की भी जीरो है और अगर नहीं नोट करना चाहो तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो तो द डिनोमिनेटर इज सेवन की पावर थ्री तो यहाँ पर डिनोमिनेटर टू की पावर एम और फाइव की पावर एन के बराबर नहीं है ओके तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू रेस टू दी पावर एम इन टू फाइव रेस टू दावर एन फैक्ट्राइज okay? तो करना होगा और फैक्ट्राइज करने पर हमारे पास वन टाइम टू आएगा टू टाइम थ्री आएगा और वन टाइम फाइव आएगा अब यहाँ पर भी देखो फैक्टर क्या है टू और फाइव के अलावा भी फैक्टर है तो कंडीशन आपको क्या नोट करनी है वो आपको पता ही है तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन टू एंड फाइव और अगर आप यहां पर नोट करना चाहो द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू टू रेस टू दार एम एन टू फाइव रेस टू दी पावर एन तो वो भी आप नोट कर सकते हो देयर फोर सेवनटीन अपॉन नाइनटी इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अब यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि एक्चुअल डिविजन हमें नहीं करना है और क्या प्रूव करना है कि जो रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ओके तो यहाँ पर इसे तो हमें फैक्टराइज नहीं करना है क्योंकि फैक्टर्स इसके बताए गए तो डायरेक्ट हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं द डिनोम पार्ट थ्री इन टू थ्री तो यहाँ पर बस ये कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो बस यहाँ पर कंडीशन नोट करनी है और ये प्रूव हो जाएगा तो यहां पर भी हम नोट कर सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन टू एंड फाइव देअर फोर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल प्रूव्ड नेक्स्ट अब यहां पर भी इसे हमें फैक्टराइज नहीं करना है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट हम नोट कर सकते हैं तो यहां पर भी हम सेम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं हेन्स प्रूव्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यहाँ पर हमें बताना है जितने भी डेसिमल नंबर हमें दिए गए हैं इसमें कौन सा रैशनल है और कौन रैशनल नहीं है ओके तो ये तो आपको देख ही समझ में आ रहा होगा रैशनल दो तरीके के नंबर होते हैं डेसीमल में एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग उसमें रिपीटिंग लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये रैशनल होता है तो देखकर तो हमें समझ में आ रहा है कि ये नंबर कैसी है रैशनल लेकिन इसको हमें सॉल्व करने को बोला गया है तो सॉल्व करने के लिए हम इसका पॉइंट रिमूव कर सकते हैं तो पॉइंट हटाने पर पॉइंट की जगह पर हमें वन नोट करना होगा और पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट हैं वो सब किसमें कन्वर्ट होंगे जीरो में तो यहाँ पर पॉइंट के बाद थ्री डिजिट हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर नीचे थ्री जीरो नोट करने होंगे ओके अब ये क्या है वन थाउजेंड तो इसे हमें फैक्टराइज करना होगा और उसी तरीके से नोट करना होगा अब वन थाउजेंड को फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या आया थ्री टाइम्स टू और थ्री टाइम्स फाइव तो ये टू रेस टू दी पावर एम इंटू फाइव रेस टू दी पावर एन के फॉर्म में है इसलिए कैसी नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये एक रैशनल नंबर है ओके okay? तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं द डिनोमिनेटर इज टू रेस टू दी पावर थ्री इंटू फाइव रेस टू दी पावर थ्री तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है यहां पर हम नोट कर सकते हैं सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर ओके एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ओके okay. अब सेवेंटीन का सेकेंड पॉइंट भी वैसे ही है अब इसे हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और दूसरी चीज इसे हमें एग्जामिन करने को बोला गया है ओके okay. तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम वन लैक को प्राइम फैक्ट्राइज करेंगे यहाँ पर पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं फाइव तो यहाँ पर फाइव टाइम जीरो नोट करना होगा ओके okay. तो जब आप इसे फैक्ट्राइज करेंगे तो यहाँ पर भी पावर किस में आ रही है टू और फाइव में तो टू की पावर भी यहाँ पर फाइव है और फाइव की पावर भी फाइव है मतलब ये टू की पावर एम और फाइव की पावर एन के फॉर्म में इसका मतलब ये कैसी डेसिमल होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल तो बस यहां पर आपको स्टेटमेंट नोट करना होगा तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस इज आर फाइनल आंसर अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है टू पॉइंट वन टू वन वन टू वन वन टू इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते जा रही है सो ऑन का साइन अब क्या ये नंबर रिपीटिंग है नहीं यहाँ पर वन है फिर टू है फिर टू टाइम्स वन है फिर टू है थ्री टाइम्स वन है फिर टू है तो सेम टाइम्स यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नंबर कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इस तरीके की नंबर क्या होती है इ तो यहां पर अगर आप डेसिमल के फॉर्म में इसका स्टेटमेंट नोट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और इसे हम रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सोन का साइन है इस नंबर को जब हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो रैशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रही तो इसलिए क्या है ये इरेशनल इसलिए रैशनल नहीं है ओके तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं सिंस दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू देयर फॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर और आपके स्कूल में जैसे कराया गया आप वैसे भी कर सकते हो ओके अब जिसका लास्ट पॉइंट है यहां पर नंबर रिपीट हो रही है क्योंकि इसके ऊपर बार है तो जो भी नंबर रिपीट होती है वो भी क्या है रैशनल है क्योंकि इसके ऊपर जो बार है इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पर नंबर रिपीट हो रही है तो जहां पर नंबर रिपीट होती है वो क्या होती है रैशनल तो यहाँ पर भी हम कंडीशन नोट कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन में आते हैं मल्टीपल चॉइस में ओके okay? कभी भी लॉन्ग में नहीं आते है. तो यहां पर लॉन्ग में दिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि इसका आंसर आधे पेज या एक पेज का होना चाहिए ओके okay? तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं सिंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज रिकरिंग यहाँ पर रिपीटिंग देर फोर इट्स अ रैशनल नंबर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री हमारी कंप्लीट हो गई है इसमें से वन मार्क्स या टू मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और वन और टू मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो If you think that this video is helpful for you, so please like this video and subscribe our channel if you are new and watching first time. And press the bell icon so that you never ever miss any update regarding all these kind of videos. I'll come back with a new video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.